हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 का लेसन है द मैन हु न्यू टू मच, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्टिव एजुकेशन की ओर से एक्टिव क्लासेस में एक्टिव वर्ल्ड चैनल पे मैं आपको ये चैनल बताने जा रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ओके, मैं आपको ये लेसन पूरा हिंदी में बताऊंगा। ये लेसन हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको थोड़ी चीज बताने चाहता हूँ कि हमने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं, तो आप उसको देख सकते हो। उसमें बहुत सारे अलग अलग वीडियोस आपको अलग अलग चैप्टर्स के, पोएम के, अलग अलग 10th, 11th और 12th के साइंस के एक्सपेरिमेंट और अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो चलो, तो ओके, इस चैप्टर के स्टार्ट करते हैं हम। ओके, और इसमें मेन कैरेक्टर है प्राइवेट कल्च। प्राइवेट कल्च जो है, इसका मतलब ये होता है कि जो एक सैनिक है वो अंडर ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग ले रहा है, अभी उसको कोई पोस्ट नहीं मिली है। और ऑथर जो है, इसमें जो लिखा हुआ है भाई अलेक्जेंडर बैलन, उसका ये पूरा लेसन है। तो एक ऐसे ऑथर की आप बात हुई है कि खुद एक सब कुछ लिखने वाले भी थे, उसने ड्रामा लिखे हुए, अलग अलग चीजें लिखी हुई। लेकिन एक बात इसकी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये जो ऑथर है, उसने विश्व युद्ध दूसरा जो हुआ था उसमें हिस्सा लिया था, उसने उसमें भाग भी लिया था, ऐसे ये ऑथर थे। दूसरा यहाँ पे जो एक वर्ड यूज हुआ है मस्केटरी है। मस्केटरी मतलब जो सोल्जर के पास एक छोटी सी गन होती है, उसका नाम मस्केटरी होता है। तो फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है पेज नंबर 22 पे NW फ्रंटियर रिबन्स। हमें पता है कि सोल्जर का जो ड्रेस होता है उसमें बहुत सारी रिबन लगी हुई होती है। तो एक ऐसा ड्रेस है जो सोल्जर प्राइवेट कल्च ने पहना हुआ है। अब हम लेसन की स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं पहली बार एक ऐसे आदमी से मिला था जिसका नाम था प्राइवेट कल्च। नॉलेज में उसका जो रैंक अगर दिया जाए तो पहला होता है, मतलब उसके पास नॉलेज अच्छी थी और उसके पास यूनिफॉर्म भी था, मतलब यूनिफॉर्म पहनता था, राइफल उसके पास रहती थी, इक्विपमेंट भी उसके पास रहते थे और उसका एक निकनेम भी था। कोई भी इंसान अगर प्राइवेट कल्च को लेता था तो वो थोड़ा झुका हुआ था, थोड़ा उसे जो चश्मे पहने हुए थे वो थोड़े बड़े बड़े थे, लेंकी मतलब यहाँ पे थोड़ा दुबला पतला बना रहे, और स्टॉपिंग मतलब यहाँ पे थोड़ा झुका हुआ, स्टॉपिंग मतलब यहाँ पे झुका हुआ। और वो सबको जैसे अपने चश्मों से देखता था, और उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि लोग उसे प्रोफेसर क्यों कहते हैं। अगर कोई भी इंसान जिसको कोई भी प्रकार का डाउट होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें अगर वो प्रोफेसर से 5 मिनट बात कर ले तो उसका डाउट क्लियर हो जाता था, उसको उसका हल मिल जाता था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे पास एक मस्केटरी थी और हम अपना पहला लेसन जो ट्रेनिंग में पढ़ रहे थे उसमें हम अपने घेरे में घेरा बनाकर खड़े हुए थे। तब एक सर्जन की बात होती है और सर्जन के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि वो कैसा दिखता है। तो थोड़ा दिखने में काले थे और थोड़े एकदम कड़क से बने करके थे, और उसके पास उसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन्स पहनी हुई थी, और वो मैकेनिज्म जो था सर्विस व्हीकल का कैसे होता है उसके बारे में हमें डिस्क्राइब कर रहे थे। उसने हमें ये बताया थे कि जब कोई भी गन में से एक गोली उसके माउथ से निकलती है, मतलब जो गन है उसके माउथ उसमें से निकलेगी, तो उसकी जो स्पीड जो होगी वो 2000 फीट पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो 2000 फीट का डिस्टेंस जो है वो काट लेगी। तब उसके बीच में से कहीं से एक आवाज आ गई और उसमें आवाज ऐसी है कि 2440 फीट पर सेकंड। मतलब ये आवाज किसकी हो सकती है, तो मैं पता चल गया कि वो तो प्रोफेसर ही होगा, क्योंकि प्रोफेसर ही कुछ जानता है। तब सर्जन ने जवाब दिया सही जवाब। तब सर्जन आगे कुछ उत्साह से अपना लेक्चर कंटिन्यू रखा, उसके बाद उसका लेक्चर खत्म हुआ और सर्जन ने हमें क्वेश्चन पूछे और थोड़े सवाल मतलब सवाल किए। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद सर्जन जो है वो प्रोफेसर से बदला लेना चाहता था, बदला लेने के चक्कर में वो प्रोफेसर से ही जो है वो बार बार उसको ही क्वेश्चन सवाल पूछ रहे थे।
और जब रिजल्ट आता था टेक्निकल डेफिनेशन का और पार्शियल राइटिंग का, तो हमेशा जो है क्वेश्चन प्रोफेसर के मतलब महानता बढ़ाता था, और जो जितने भी आंसर वो प्रोफेसर लिख के आता था वो सभी सही होते थे, एकदम क्लियर और सही आंसर वो देता था। तो सवाल रहते थे वो टेक्निकल डेफिनेशन के ऊपर रहते थे, जो पार्ट के कितने पार्ट होते हैं और उसकी केयर कैसे करनी चाहिए उसके ऊपर के सभी जो जवाब उसने दिए वो सभी एकदम जवाब जो थे सभी एकदम सही थे। प्रोफेसर जो था उसको ये सभी बातें दिल से पता थी, वो मन से सबसे चीजें याद रखता था। जब प्रोफेसर ने उसको पूछा कि तुमने इसकी वो पहले ट्रेनिंग ली है, तो प्रोफेसर जो आंसर देता था वो हमारे लिए फेमस हो जाता था, हमें वो हमेशा याद रहता था। प्रोफेसर ने ये उसका जवाब दिया कि नहीं साजन, मैंने जो ये पूरी बात जो है वो एक अच्छी तरह से की गई पढ़ाई है और अच्छी तरह से की गई रीडिंग है। और उससे हमें ये पता चला कि प्रोफेसर के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, हम उससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और हम ये भी मानने लगे कि जो प्रोफेसर है वो दिमाग वाला है, उसका दिमाग वो सही है और दिमाग है इसलिए उसको ये ही वॉज श्योर टू गेट कमीशन, उसको कमीशन मतलब वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेगा और उसको पहली जो रिबिन है जिसको इंतजार कर रहा है वो इंतजार खत्म हो जाएगा, मतलब उसको रिबिन जो है स्ट्रिप वो पहली स्ट्रिप उसको मिल जाएगी। प्रोफेसर जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कड़ी मेहनत कर रहा था, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग वो करता था। एक दिन हमारे प्रोफेसर एक दिन मैनुअल जो ट्रेनिंग मैनुअल थी जिससे हमें सिखाया जा रहा था वो एक दिन लेके आए और उसको बहुत ही लेट नाइट तक उसको रीडिंग किया। कि बेडजर्ड मतलब वो परेशान कर रहा था इंस्ट्रक्टर विद अ क्वेश्चन, वो जितने भी वहाँ पे हमें सूचना यानी कि ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे थे वो ट्रेनिंग देने वाले सभी पर्सन को वो थोड़े अपने सवाल पूछ के थोड़ा परेशान भी करता था, क्योंकि उसने पहले वो ट्रेनिंग बुक जो थी ट्रेनिंग की मैनुअल बुक जो थी वो पढ़ ली थी। कभी कभी वो चीज जो है वो बता नहीं पाता था, लेकिन वो जिस तरह से मैं बताता था वो उसका जो नेचर जो था उससे हमें वो बहुत ही ज्यादा पसंद आता था। और 30 माइल की दूरी जो थी 30 मील की दूरी और 30 मील की दूरी में हमें सवाल करता रहता था, और जब वो सैल्यूट करता था जब वो सलामी देता था तब ऐसा लगता था कि कोई कठपुतली खड़ी है और वो सलामी दे रही है। जब कोई ऑफिसर इंस्पेक्शन मतलब देखने के लिए आते थे तब वो अपने दोनों हाथ को लेफ्ट राइट में चलाता रहता था, और लेफ्ट राइट करते करते वो कैंटीन की ओर जाता था जैसे कि कोई सिक्योरिटी गार्ड जा रहा है ऐसा लगता था। वो था कौन? प्रोफेसर। हाँ, चाहे दिन हो या चाहे रात को कोई टाइम हो वो पूरे दिन वो अपने लेक्चर देता था, और वो सबसे ज्यादा मतलब काम भी करता था, ऐसा नहीं था कि खुद वो अकेला ही काम करता था। वो कभी भी हमारे पर कोई उसने हमें कभी सहन नहीं किया मतलब दया नहीं दिखाई, वो हमारे पर हमेशा अपनी जो नॉलेज अपना जो ज्ञान जो था वो बताया रहता था, मतलब एक टाइप का ज्ञान का दिखावा भी करता था। पहले हमारे दिल में उसके लिए सद्भावना बनी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि प्रोफेसर तो थोड़ा घमंडी रहता है इसलिए हमारे दिल में से उतर गया। हम सब लोग उसके पीछे पीछे उसका मजाक उड़ाने लगे और फिर उसके प्रैक्टिकली जोक भी बनाने लगे। सरकसमस मतलब यहाँ पे मजाक उड़ाना। प्रोफेसर ये चीज कभी नोटिस मतलब कभी कबारी करता था, वो शायद हमारे इस मजाक को देखता था क्योंकि वो तो अपने स्ट्रेट को लेने के लिए बिजी था ना। जब हम में से कोई गलती करता था तब प्रोफेसर सबके सामने उसको पब्लिकली करेक्ट करने की कोशिश करता था।
अगर हमारे में से कोई भी व्यक्ति अच्छा भी कर लेता था, मतलब कोई अच्छा भी बताने की कोशिश कर रहा था, तो भी प्रोफेसर जो है वो उसमें से भी गलती निकालता था और उसको बताता था कि भाई देखो ये कैसे ये चीज होती है। वो ये बोलता था कि अरे अरे देखो तो अरे ऐसे मत पकड़ो, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस तरह पकड़ोगे तो लाइफ तुम बर्बाद कर दोगे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसको कैसे पकड़नी है, मतलब कैसे चलानी है। ऐसी हर बात वो हमें बताता रहता था और हम वहाँ पे एयरक्राफ्ट में सिलेक्ट हो गए थे। हमें बहुत गौरव महसूस हो रहा था, हम बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे थे। और एक बार हम वहाँ पे वॉक करने निकल पड़े, तब हमने वहाँ पे एक प्लेन को हमारे सर पर से निकलते हुए सुना, मतलब हमें दिखाई नहीं दिया, हमने उसकी आवाज को सुना। हमारे में से तो कोई ऊपर देख नहीं पाया, लेकिन वो प्रोफेसर तो प्रोफेसर ही होगा ना, उसने तो बिना देखे ऊपर देखे बिना ही बता दिया कि ये तो नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर का ही होगा। और वो जो एयरक्राफ्ट है वो अपनी इंजन का आवाज ज्यादा होती है, इसलिए हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। अब आप ही बता दो भाई, हम ऐसे जो हमारी पूरी इतनी बड़ी गैंग थी, फिर भी हम ऐसे आदमी के सामने क्या कर सकते थे। मतलब वो एक प्रोफेसर था और हमारा सबका बाप था। दूसरे पैसे चले जाओ, हम में से कोई भी जो वहाँ पे जो गर्मी पड़ रही थी वो गर्मी के दिन को नहीं भूल पाए। हम उस गर्मी में बहुत ही ज्यादा गर्मी सहन कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे कॉर्पोरल टर्नबुल जो थे वो तो अपना लेक्चर उस गर्मियों में भी आराम से हैंड ग्रेनेड के ऊपर दे रहे थे। हैंड ग्रेनेड मतलब जो बम की तरह होता है वो। अब ये कॉर्पोरल टर्नबुल कौन है? कॉर्पोरल टर्नबुल एक यंग मैन थे वो, मतलब वो जो था कॉर्पोरल टर्नबुल उसको हम आसानी से बुद्धू तो नहीं बना सकते थे। ये जो कॉर्पोरल टर्नबुल है वो एक डंकिंग नाम का एक सिटी जो था वहां से वापस आए थे। वो सभी सामान लेके आए थे और उसके पॉकेट में एक चिकन मतलब बिल्ली भी रहती थी। He was our hero. वो हमारे हीरो थे और हम लोग एक दूसरे से यही बात किया करते थे कि भाई कॉर्पोरल टर्नबुल तो ऐसा आदमी है कि अगर कोई उसको बिना पूछे कोई उसको पूरा हथौड़ा लेके भी मार देना तो भी उसको पता नहीं चलेगा। कॉर्पोरल टर्नबुल जब लेक्चर लेते थे तब हमें बताने लगे कि जो ग्रेनेड होता है, ग्रेनेड का जो बाहरी हिस्सा होता है वो बहुत ही अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। तभी इसमें से एक आवाज आती है 44। तो व्हाट्स दैट? कॉर्पोरल टर्नबुल तो था, उसने पीछे देखा अपने कंधों के पीछे से, एक क्या? तो उसने बोला कि 44 सेगमेंट्स, मतलब 44 उसके भाग। प्रोफेसर ने जोर से पीछे से चिल्लाया। कॉर्पोरल ने तब कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पे कुछ जो चेहरा जो था वो चिकन सा लग रहा था। तो फिर प्रोफेसर ने अपना जो है वो बात आगे बढ़ाई, भाई तो कॉर्पोरल, हम तो सब सोच में पड़ गए कि प्रोफेसर तो भाई कॉर्पोरल को अपने नाम से बुलाता है, मतलब उसको रिस्पेक्ट भी नहीं देता है। तो उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको पहले ग्रेनेड का बाहरी हिस्सा बताने से पहले उसके पहले पांच कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब पांच विभाग के बारे में पहले बताना चाहिए? थोड़ी देर तक तो प्रोफेसर कॉर्पोरल जो थे और कॉर्पोरल कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में उसने ऐसा बोला कि अगर तुम्हें ऐसा ही लग रहा है तो तुम ही लेक्चर स्टार्ट कर दो ना। और ऐसी बात बोल के
जो कॉर्पोरल था उसने अपना ग्रेनेड जो अपने हाथ में पकड़ा हुआ था वो प्रोफेसर की ओर फेंकते हैं और पायलट प्राइज जो प्रोफेसर है वो बिना कुछ हिचकिचाए उस जो ग्रेनेड है उसको अपने हाथ में लेते हैं। जो प्राइज है पायलट प्राइज मतलब प्रोफेसर जो है वो सब अपने पैरों पे खड़े हो गए और उसको पकड़ा और उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत लेक्चर उसने दे दिया। पूरा ग्रुप जो था उसमें सब उसको देख के सन्न रह गए, सब शांति पूरी व्याप गई पूरे ग्रुप में और ये जो शांति थी वो मतलब जो थी वो डर की थी। बोल जो थे वो भी वहाँ पे खड़े हुए थे, वो भी प्राइवेट प्राइज मतलब प्रोफेसर को देख रहे थे, वो चाहते थे और देखना चाहते थे कि कब ये प्रोफेसर गलती करे। जब लेक्चर खत्म हुआ तो वो कहने लगे कि थैंक यू प्राइवेट प्राइज। अरे भाई ये क्या हो गया, तो दूसरे लोगों के साथ साथ हम भी डर गए, सब डर गए और हम लोग भी डरे हुए थे। हम ये देखना चाहते थे कि अब कॉर्पोरेशन बुल आगे क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने जो है अपना आगे का लेक्चर मतलब बोलना स्टार्ट कर दिया। फिर तनबुल बोलते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे आप किसी आप जो थोड़ा ग्रुप है उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए आया हूँ। तो फिर वो थोड़ा रुक गए और बाद में और किस चीज के लिए यहाँ पे उन लोगों को उनको सिलेक्ट करना है वो था कंफर्मेशन ऑफ फाइनल डिसीजन मतलब फाइनल कंफर्मेशन ऑफ डिसीजन वो था जो हम लोग बड़े हमारा ग्रुप जो बैठा हुआ था उसमें से कोई भी प्राइवेट प्राइज के सामने देखता भी नहीं था मतलब कोई भी उसके सामने नहीं देख रहा था क्योंकि जो टनबुल के सामने पास में प्रोफेसर खड़ा हुआ था वो एकदम सीधा खड़ा हुआ था और एकदम ऐसा लग रहा था कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है। और उससे पहले ही टनबुल बोलने लगे कि यहाँ पे कुक हाउस के अंदर एक परमानेंट ड्यूटी के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइवेट प्राइज से बेहतर कोई इंसान हो ही नहीं सकता इस जॉब के लिए। हम लोग बहुत ही ज्यादा उस दिन बहुत हंसे थे और हम लोग प्राइवेट प्राइज प्रोफेसर से छुटकारा पा के बहुत खुश भी थे। मुझे वो दिन अभी भी याद है कि तब मैं और मेरा फ्रेंड कवर जो था वो कैंटीन से वापस आ रहे थे थोड़े दिन बाद। जैसे कि वहाँ पर हमने देखना दरवाजे के हमने देखना स्टार्ट किया तो हम देख रहे थे कि वहाँ पे तीन कुक जो थे वो दीवार के सामने खड़े हुए थे। जैसे कि ऐसा लगा कि वहाँ पे उसके सामने खाई है और वहाँ पे एक पहचानी हुई अलग हमने पहले सुनी हुई कोई आवाज आने लगी। आवाज ये आ रही थी कि मैं आपकी ये अनसाइंटिफिक और अनहाइजीनिक जो आलू छिलने की मेथड है उससे खुश नहीं हूँ। ये जो आप अपने विटामिन की वैल्यू जो है वो थोड़ी निकाल रहे वेस्ट कर रहे हो मैं उसको उसकी ओर आपकी आपका जो ध्यान है वो खींचना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल सही फरमाया, हाँ वो कौन हो सकता है, वो प्रोफेसर ही था। फिर हमने जैसे उसको देखा है हम वहां से हो गए वहां से भाग गए। तो दोस्तों ये था मेरा लेसन, कैसा लगा आपको? और भी ज्यादा वीडियो आप देखते रहना, हमने इस चैनल पे सीबीएसई क्लास 9 के बहुत ही ज्यादा लेसन एक्सप्लेन कर दिए हैं। दो तीन लेसन बाकी है वो अभी आने वाले हैं तो उसको देखना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को आपको लेसन कैसा लगा उसका रिव्यू भी देना ताकि मैं आपकी कोशिश और कर सकूँ और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट कल मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, बाय।